हाँ बेटा, तो दो पार्ट में अपनी इकोनॉमिक्स डिवाइड है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि, माइक्रो और मैक्रो। तो दोनों का इंट्रोडक्शन यहाँ पे उनने हमें दिया है कि माइक्रो क्या होती है और मैक्रो क्या होती है। माइक्रो से अपन शुरू करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा, इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जो छोटे छोटे इशूज़ को सॉल्व करती है, जैसे एक बच्चे के कितने परसेंटेज, या फिर एक स्कूल में कितने टोटल बच्चे हैं, या फिर मान लो मेरी इनकम कितनी है, या फिर ये अरविंद की इनकम कितनी है, या फिर ये मान लो अपने हरेंद की इनकम कितनी है। मतलब एक सिंगल यूनिट का जो एनालिसिस करते हैं, एक सिंगल इकाई का जो अध्ययन करते हैं, उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और समष्टि मैक्रो किसे कहते हैं, जहाँ हम सब के पूरे भारत के लोगों की आय कितनी है, इनकम कितनी है, या हमारे देश में कुल मिला के कितने लोग पढ़े लिखे हुए। तो जब बेटा झुंड की बात की जाती है, ग्रुप की बात की जाती है, तो वो कौन सी होती है, मैक्रो समष्टि अर्थशास्त्र। जहाँ एक बंदे की बात की जाती है, तो वो कौन सी होती है, व्यष्टि माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेटा जहाँ पर केवल एक यूनिट की बात की जाए, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। डेफिनेशन ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं, हमें विशेषताओं से शुरू करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो 1.3A, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। क्या क्या बेटा इसमें कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। पहला पॉइंट है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। बेटा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश में दिया होगा स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेटा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब एक सिंगल, और व्यक्तिगत का मतलब बेटा एक सिंगल। ये कौन सी इकाई, कौन सी यूनिट्स का एनालिसिस करता है, इंडिविजुअल या व्यक्तिगत, एक व्यक्ति का, पूरे ग्रुप का ये अध्ययन नहीं करता। वो एक व्यवसाय हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, एक उद्योग हो सकता है, एक फर्म हो सकता है, पर एक का करता है, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, ये सिंगल चीज का करता है। सेकेंड चीज है बेटा व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्राइस। क्या फिक्स करता है बेटा ये, इंडिविजुअल प्राइस। अब इंडिविजुअल प्राइस मतलब एक चीज़ का क्या प्राइस होगा, मान लो मेरी एक फैक्ट्री है और उसमें मैं ये सैनिटाइजर बनाता हूँ, इतनी बड़ी बॉटल में सैनिटाइजर की बनाता हूँ, तो लाखों सैनिटाइजर की बॉटल बनती है, तो मैं हर बॉटल को उठा के उसकी MRP लिखूंगा क्या, एक की फिक्स करूंगा। तो बेटा किसी भी चीज की कीमत फिक्स करना किसका काम होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का, माइक्रो का। एक बॉटल की कीमत मैं फिक्स कर दूंगा, तो जितनी प्रोड्यूस होंगी सबकी कीमत अब वही रहने वाली है। तो वही कर रहा है व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्राइस। थर्ड दिया है बेटा छोटे छोटे चरों का अध्ययन, इंग्लिश में दिया होगा स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल्स। तो बेटा हमें पता ही है ये छोटी चीज़ों का अध्ययन करता है, जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, उनको सॉल्व करता है कौन, व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो बड़ी बड़ी और ग्रुप लेवल की चीज़ें होती हैं, उनको ये सॉल्व नहीं करता है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल्स तुम्हारा थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट बेटा दिया नहीं है बुक में, बट फोर्थ पॉइंट तुम लोगों को एक लिख लेना है अपनी बुक में, प्राइस थ्योरी, हिंदी में लिख लेना बेटा कीमत सिद्धांत, प्राइस थ्योरी, या फिर इसको लिख लेना है कीमत सिद्धांत। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बेटा कि इसका बेटा एक और नाम, व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नाम होता है प्राइस थ्योरी या कीमत सिद्धांत। इसमें बेटा मैंने अभी बताया कि एक किसी भी यूनिट की हम कीमत निर्धारित करते हैं या कीमत फिक्स करते हैं, तो इसका एक और नाम पड़ गया कीमत सिद्धांत। अब इसका पॉइंट तो मैंने लिखवा दिया, इसकी डिटेल जो सेकंड पॉइंट में दी है वही लिखनी है तुम्हें। सेकेंड पॉइंट में जो डिटेल दी है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्राइस या व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण, तो इसकी जो डिटेल है वो उसमें लिखनी है। 1.5A, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, और इंग्लिश में दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मिल गया बेटा, अभी हमने क्या पढ़ा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, अब मैक्रो में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो यहाँ पे दी हुई है, कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें होंगी जब हम ग्रुप का एनालिसिस करते हैं। पहला बेटा व्यापक दृष्टिकोण, इंग्लिश में दिया होगा ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव। ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव मतलब बेटा इसका जो एनालिसिस करने का दृष्टिकोण या मतलब नज़रिया, जो कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जो बड़े लेवल की होती है। ब्रॉडर का मतलब होता है बड़ा, छोटी समस्याएं ये नहीं करता है। बात करें कि हमारे देश की नेशनल इनकम कितनी है, तो वो मैक्रो की बात है। अगर बात करें कि मेरी इनकम कितनी है, तो ये उसको इग्नोर करेगा, एक सिंगल बंदे को ये एनालाइज ही नहीं करता। ये क्या करता है, व्यापक दृष्टिकोण या ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव, इसका जो समस्याओं को सॉल्व करने का नज़रिया है वो कैसा है, बड़ा है। सेकेंड बेटा गतिशील अर्थव्यवस्था को महत्व, इम्पोर्टेंस ऑन डायनेमिक इकोनॉमी, यही दिया है सेकेंड।
बेटा गतिशील या डायनेमिक का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन होते रहे, जिसमें चेंजेस होते रहे। तो जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ऐसी इकोनॉमी को का एनालिसिस करता है जिसमें कंटिन्यूसली क्या होते रहे, चेंज होते रहे। जैसे इंडिया है तो इंडिया में बेटा लगातार चेंज हो रहे हैं। पिछले साल हमारी जो नेशनल इनकम थी 2020 में वो 21 में नहीं रहेगी, बदल जाएगी, हर चीज़ बदलेगी। पढ़े लिखे लोग 2020 में जितने थे 2021 में कुछ बढ़ जाएंगे। तो ऐसी इकोनॉमी बेटा जिनमें परिवर्तन होते रहते हैं, जो डायनामिक होते हैं या गतिशील होते हैं, उनका ये मैक्रो इकोनॉमिक्स अध्ययन करती है। जिनमें चेंजेस नहीं होते उनका यहाँ पे अध्ययन नहीं किया जाता। तो वो कह रहे हैं क्योंकि जिनमें चेंज ही नहीं होंगे तो फिर उनको एनालाइज ही क्या करेंगे, हर साल वो तो सेम ही रहने वाला है। तो इम्पोर्टेंस टू डायनेमिक इकोनॉमी या गतिशील अर्थव्यवस्था को महत्व। थर्ड है बेटा व्यापक विश्लेषण, और इंग्लिश में अलग दिया है तो इसके बाद में बताऊंगा। व्यापक विश्लेषण का मतलब है बेटा कि इसको जो विश्लेषण मतलब जो एनालाइज करता है, जैसे फर्स्ट पॉइंट में देखा वो कौन सी चीज़ें होती है बड़ी, छोटी चीज़ों का यह एनालिसिस नहीं करता। फर्स्ट और थर्ड पॉइंट लगभग सेम ही है। जो ऐसी समस्या जो पूरे देश की समस्या है बेटा, तुम्हारा होगा जर्नल प्रॉब्लम, एनालिसिस ऑफ जर्नल प्रॉब्लम। तो बेटा ये उन प्रॉब्लम्स उन समस्याओं का अध्ययन करता है जो बड़ी है, जिसका फर्क पूरे देश पे पड़ता है। जैसे अगर हमारी इकोनॉमी में महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई बढ़ गई तो उसका फर्क मुझ पे नहीं पड़ेगा, पूरे देश पे पड़ेगा। अगर मेरे देश में बेरोजगारी बढ़ गई तो बेरोजगारी का असर मुझ पे अकेले पे नहीं पड़ेगा, पूरे अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। तो बेटा ये कौन सी जर्नल प्रॉब्लम, स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं, जर्नल सामान्य समस्याएं जो होती हैं उनका अध्ययन करता है जो सभी पे ऊपर इफेक्ट डालती है। इसके बाद है बेटा समूह हित को प्राथमिकता, प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट। ये किसको बेटा पहले प्राथमिकता देता है, ग्रुप को। एक सिंगल बंदे को ये प्राथमिकता नहीं देता है, किसको प्राथमिकता देता है, ग्रुप को। अगर सिंगल बंदे की बात आएगी तो ये उसे इग्नोर करेगा, ग्रुप को ये एनालाइज करेगा। तो सामूहिक हित को प्राथमिकता, ठीक है बेटा। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। पहला बेटा दिया है आशय, इंग्लिश में दिया होगा मीनिंग। अर्थशास्त्र की वह शाखा जो व्यक्तिगत चरों का अध्ययन करती है, तुम्हारा दिया होगा बेटा वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमी विच स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक इश्यूज या वेरिएबल, ठीक है यही दिया है। तो बेटा जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत करती है वो तो व्यष्टि है, माइक्रो है। और जो इधर क्या दिया है बेटा, जो समग्र चरों का, इधर दिया होगा बेटा एग्रीगेट, जो एग्रीगेट करती है वो मैक्रो है। जो समग्र मतलब सभी का करती है वो समष्टि है, और जो एक का करती है वो व्यष्टि है। तुम्हारा बेटा जो एक का करती है वो माइक्रो, और जो सभी का एग्रीगेट इंडिविजुअल करती है वो माइक्रो, और जो एग्रीगेट करती है वो मैक्रो, ठीक। फिर सेकंड पॉइंट दिया देखो अध्ययन का विषय, तो इसमें दिया हुआ है देखो एक परिवार, एक व्यक्ति, एक धर्म, एक उद्योग। उधर क्या दिया है देखो, इसमें समूह और समग्र अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश की बुक में बेटा जो दिया है माइक्रो, क्योंकि ये एक बंदे की करती है इसलिए नैरो है, छोटी है, और वो पूरे ग्रुप का करती है इसलिए वो वाइड है, ठीक है। इसके बाद बेटा प्रतिनिधि सिद्धांत, थर्ड जो पॉइंट दिया है तुम्हारा बेटा, थर्ड क्या है, नहीं फोर्थ क्या है, सब्जेक्ट मैटर, अभी चलो तुम्हारा अलग से ही मैं बता दूंगा। तुम्हारा बेटा थर्ड जो है प्रतिनिधि सिद्धांत, तो ये सीमांत विश्लेषण या मूल का सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने बताया था इसको कीमत सिद्धांत भी बोलते हैं, तो मूल्य सिद्धांत या कीमत सिद्धांत। तुम्हारा भी बेटा कहीं ना कहीं दिया होगा कि इसे प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। और बेटा समष्टि को क्या बोलते हैं, आय व रोजगार का सिद्धांत। इसको क्या बोलते हैं, कीमत सिद्धांत, और इसको क्या बोलते हैं, आय और रोजगार। याद हो जाएगा ये तुम्हें आसानी से। तुम्हारा बेटा दिया होगा थ्योरी में, इसको प्राइस थ्योरी बोलते हैं, और इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी भी बोलते हैं। इसके एक और नाम है, इंग्लिश में दिया है थ्योरी वाला पॉइंट, थ्योरी दिया है, हाँ क्या दिया है इसमें, इसको प्राइस थ्योरी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइस दिया है ना, तो इसका एक और नाम है थ्योरी ऑफ प्राइस, और उधर दिया होगा थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक। इसके बाद बेटा एक पॉइंट तुम लोग कर लेना, सिक्स वाला, सरलता और जटिलता। इंग्लिश में दिया होगा सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा दिया होगा, नेचर दिया होगा, तो नेचर में देखो बेटा व्यष्टि सरल है और ये जटिल है, यही दिया है, ये अपेक्षाकृत सरल है और ये अपेक्षाकृत जटिल मतलब कठिन है, ठीक बेटा। और एक लास्ट कर लेना हिंदी की बुक में जो दिया है संबंध, इसका संबंध मूल्य विश्लेषण से है और इसका संबंध आय विश्लेषण से है। तो बेटा ये क्योंकि इसका नाम ही है कीमत सिद्धांत इसलिए ये मूल्य विश्लेषण से है, और उसका नाम ही है आय तथा रोजगार का सिद्धांत इसलिए वो आय विश्लेषण, आय मतलब इनकम, उसका नाम है ना आय तथा रोजगार का सिद्धांत। बेटा 1.15 आर्थिक और अनार्थिक क्रिया में अंतर, 1.15 डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़।
बड़ा ही आसान है ये तो बेटा, इलेवेंथ में भी था। आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेटा वो एक्टिविटीज होती हैं जो मनी अर्न करने के, धन अर्जन करने के उद्देश्य से की जाती है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जो भैया समाज सेवा के उद्देश्य से की जाती है। जैसे तुम यहाँ ट्यूशन में आ रहे हो और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि तुम मुझे फीस दे रहे हो। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है कि घर जाओगे तो अभी गर्म गर्म खाना मिल जाएगा, मम्मी ने बनाया, पर उनको कुछ नहीं दोगे तुम, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पहला बेटा उद्देश्य, तुम्हारा क्या दिया है ऑब्जेक्टिव, मीनिंग, ये धन अर्जन करने के उद्देश्य की जाती है, ये देश प्रेम सेवा स्वास्थ्य लाभ स्नेह प्रेम में वशीभूत होकर की जाती है। तो बेटा इसको छोटा करके लिख सकते हो कि ये समाज कल्याण के उद्देश्य से दी जाती है। तुम्हारा दिया होगा एक इंग्लिश वाली बुक में कि ये मनी अर्न करना इसके पर्पज से होती है और ये सोशल वेलफेयर, यही दिया है, क्या दिया है पढ़ो जरा। कंसर्न विद अर्निंग मनी, अर्निंग वेल्थ, वेल्थ या मनी एक ही बात है, और उधर दिया होगा नॉट फॉर अर्निंग वेल्थ, ठीक है, ठीक है, समझ गए वो, तुम्हें से मेरे को इतना बताने की जरूरत नहीं है। एक बेटा लास्ट वाला कर लेना तुम लोग, क्षेत्र, तो आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्र सीमित है और इनका क्षेत्र व्यापक है। हाँ मीनिंग ऑब्जेक्ट दोनों कर लो, समझ भी आ गए होंगे तुम्हें, ठीक है। इसके बाद बेटा स्वभाव कर लो, नेचर, बेटा आर्थिक क्रिया जो होती है वो हमेशा वैधानिक होती है, कानूनी, गैर कानूनी, अगर मैं सट्टा खेल रहा हूँ चोरी कर रहा हूँ तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक क्रिया के अंदर नहीं आती है, ठीक है। और बेटा जो अनार्थिक क्रिया है वो वैधानिक और अवैधानिक दोनों हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो वैधानिक ही हो, ठीक है। तो यह आ गया समझ, क्योंकि जब इमोशन की बात आती है और प्यार की बात आती है तो फिर भैया उसको लीगल और इनलीगलिटी नहीं देखी जाती, ठीक है। और एक बेटा जन्म कर लेना, बड़ा अच्छा है। आर्थिक क्रियाएं बेटा अर्थशास्त्र को जन्म देती हैं और अनार्थिक क्रिया अर्थशास्त्र को जन्म नहीं देती। तुम्हारा बेटा और कौन सा पॉइंट तुम्हें लग रहा है डेवलपमेंट क्या है, पढ़ना ज़रा इसको, ठीक है बेटा। आर्थिक क्रिया होती है मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, तो उससे क्या होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, देश का विकास होता है। मैं काम कर रहा हूँ तुम काम कर रहे हो तो सब कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, तो इससे देश का विकास हो रहा है। पर जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इनसे देश का विकास नहीं होता बेटा। इकोनॉमी मतलब देश में जो सिस्टम चलते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, तो हिंदी में तो दिए बेटा नियंत्रण के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर, और इंग्लिश में दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल और ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, दो दिए हुए हैं, ठीक है बेटा। तो नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर बेटा तीन तरीके की है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित। इंग्लिश में दी होगी बेटा, ब्रैकेट में लिखी है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, ब्रैकेट में लिखा है नीचे, देखो बता दो उसको जरा, ठीक है बेटा। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पर सरकार का कोई रोल नहीं होता, प्राइवेट लोग अपना अपना बिजनेस चलाते हैं मस्त, किसी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई टैक्स नहीं देना, कुछ नहीं, जहाँ बिजनेस खोलना है खोलो, जब बंद करना करो, कोई लाइसेंस नहीं लेना, कुछ नहीं। ऐसी अर्थव्यवस्था जो बेटा पूरे तरीके से फ्री होती है, जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, सरकार का कोई रोल ही नहीं होता है, वो कौन सी होती है, पूंजीवादी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। इसीलिए बेटा यहाँ किसी का कंट्रोल नहीं होता तो उसको स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है, और मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है, फ्री है बिल्कुल। पर बेटा एट प्रेजेंट ऐसी इकोनॉमी दुनिया में कोई सी भी नहीं है जो कैपिटलिस्टिक हो, पूरे तरीके से कैपिटलिस्टिक हो, पूरी तरीके से पूंजीवादी हो, ऐसी कोई भी इकोनॉमी दुनिया के अंदर अभी नहीं है। ऐसी इकोनॉमी है दुनिया में जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के बहुत करीब है, जहाँ सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम है, पर कुछ ना कुछ तो है। तो पूरी ऐसी अर्थव्यवस्था जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, ऐसी अर्थव्यवस्था दुनिया में कोई भी नहीं है। तो ये बस हो सकता है कि इस तरीके की इकोनॉमी हो, बट है नहीं। दूसरी है बेटा नियंत्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, इसको बेटा इंग्लिश में बोलते हैं सोशलिस्टिक। ऐसी इकोनॉमी जहां पर पूरा कंट्रोल किसका हो, गवर्नमेंट का हो, गवर्नमेंट का हो, हर छोटा सा डिसीजन भी कौन ले, गवर्नमेंट ले, वो कौन सी होती है बेटा, सोशलिस्टिक, समाजवादी। यहाँ पे बेटा बहुत कंट्रोल होता है इसलिए इसको बोलते हैं नियंत्रित अर्थव्यवस्था, इंग्लिश कंट्रोल, कंट्रोल बहुत होता है इसलिए इसे कंट्रोल बोलते हैं।
चाइना इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। चाइना जो कि देश की जो इकोनॉमी है वो किस तरीके की इकोनॉमी है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी है। चाइना की इकोनॉमी कैसी है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, ठीक है। वहाँ हर डिसीजन, वहाँ यहाँ तक कि तुम लोग सब्जेक्ट चूज़ करोगे ना, कॉमर्स ले साइंस ले, वो भी तुम नहीं चूज़ करोगे, वहाँ की गवर्नमेंट तुम्हें बताएगी कि कौन सा चूज़ करना है, उनकी चलती है। वह तुम किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के तुम ओनर नहीं होते, जैसे ये मेरा घर है पर ये मेरा नहीं है, वहाँ ऐसा माना जाएगा कि ये सरकार का घर है, बदले में मैं सरकार को जो टैक्स देता हूँ वो किराया देता हूँ उसका, सरकार मेरे को इसमें से कभी भी निकाल सकती है। तो वहाँ हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। तो बेटा वो कौन सी हो गई हमारी, मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी बेटा इंडिया इसका एग्जांपल है। इंडिया मिक्स्ड है बेटा, यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी खूब चलता है और सरकारी नियंत्रण भी है, दोनों चीज़ें बराबर है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित। ये बेटा ऑब्जेक्टिव में खूब पूछते हैं कि इंडिया की कैसी इकोनॉमी है, तो इसका आंसर होता है हिंदी में मिश्रित, इंग्लिश में होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके बाद बेटा विकास के स्तर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, तो पहला है अविकसित या पिछड़ी अर्थव्यवस्था। बेटा ऐसी इकोनॉमी जो बहुत पिछड़ी है, जहाँ के लोग अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, बेसिक आवश्यकता बेटा रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लॉथिंग शेल्टर, तीन तो होती है एट प्रेजेंट, दो चीज़ों को और बेसिक नीड्स माना गया है, एजुकेशन और हेल्थ, पढ़ना लिखना और अच्छा स्वास्थ्य भी बेसिक, जो इन पांच चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते जो देश, वो कौन क्या होते हैं, अविकसित, जहाँ के लोग रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन और हेल्थ ये पांच चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो वो लोग बहुत ही गरीब होते हैं। तो वो कौन से देश है बेटा, अविकसित या अनडेवलप्ड। अफ्रीका के कई कंट्री इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जहाँ अभी भी बहुत गरीब लोग रहते हैं। सेकेंड बेटा विकासशील या अर्धविकसित, ऐसे देश बेटा जो विकास तो कर रहे हैं बट अभी भी पीछे हैं, जैसे इंडिया इसका एग्जांपल है। हम ग्रोथ बहुत तेज कर रहे हैं, हमारे यहाँ लोग इतने भूखे भी नहीं मर रहे हैं, गरीबी है पर इतने भूखे नहीं मर रहे हैं, हम हमारी बेसिक नीड्स भी कंप्लीट कर पा रहे हैं, बट जो विकसित देश है उनसे अभी हम कम है। हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो विकसित देशों की तुलना में कम है, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं, विकासशील, इंडिया इसका एग्जांपल है। विकसित, ऐसे देश बेटा जहाँ के सभी संसाधन यूज़ हो गए, सब चीज़ें उनने यूज़ कर लिए, गरीबी का नाम नहीं है, सब लोग अच्छे रईस हैं, तो वो कौन से होते हैं बेटा, विकसित, डेवलप्ड या एडवांस्ड। तो अमेरिका, यूएसए, कनाडा इस कैटेगरी के अंदर में आते हैं, ठीक है। पॉइंट क्या है इसका, 1.31 पे है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी या बाजार की केंद्रीय समस्या, सॉरी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो बेटा एक अर्थव्यवस्था जब शुरू होती है तो उसके सामने कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं होती हैं, जैसे अगर हम बात करें कि 1947 के बाद इंडिया स्टार्ट हुआ, इंडिया ने अपना विकास शुरू किया, तो इंडिया के सामने क्या क्या प्रॉब्लम थी, तो बेटा तीन प्रमुख प्रॉब्लम होती है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए, सबसे बड़ी समस्या है क्या बनाया जाए। जब हमें आज़ादी मिली हमारे देश में बहुत गरीबी अरीबी व्याप्त थी, अब अगर हमारी सरकार बिज़नेस के ऊपर फोकस करती रहती और बिज़नेस बड़े बड़े बिज़नेस खोलने लग जाती और गरीबों पे ध्यान ही नहीं देती तो लोग भूख से ही मर जाते, तो ये गलत डिसीजन हो जाता ना गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले देश के तरफ देखना है, फिर सोचना है कि क्या उत्पादन किया जाए। अब सोच लिया कि नहीं भैया हमारे यहाँ तो कई लोगों के पास घर नहीं है तो घर बनाए जाए, खाने की चीज़ें नहीं है तो खाने के सामान की व्यवस्था की जाए, तो लोग पढ़े लिखे नहीं है तो पढ़ने लिखने के लिए कैसे स्कूल बनाया जाए, कॉलेज, तो ये तो हमने सोच लिया कि क्या उत्पादन किया जाए। उसके बाद दूसरा समस्या आई कि कैसे किया जाए, फॉर हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाया जाए। अब बेटा किसी भी चीज़ को करने के लिए दो टेक्निक्स होती हैं, या तो हम काम लेबर से करा सकते हैं या फिर हम काम मशीन से करा सकते हैं, कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक या लेबर इंसेंटिव टेक्निक। तो बेटा ये भी डिपेंड करता है, अलग अलग देशों में अलग अलग चीज़ें कारगर होती है। जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया में खूब जनसंख्या है तो हम लेबर से काम करा लेते हैं तो सस्ता पड़ जाता है, पर एक ऐसी कंट्री जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है तो वहाँ पर वो लोग मशीन से करा लेते हैं तो ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है। जैसे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, चाइना में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो वो लोगों से करा रहे हैं तो ज़्यादा फायदा पड़ रहा है। हम बात करें रशिया की, तो रशिया ऐसी कंट्री है जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है पर वहाँ की जनता हमारे उत्तर प्रदेश बराबर भी नहीं है, केवल 14 लाख की वहाँ की जनता है, जनसंख्या है, तो 14 लाख या 14 करोड़ जो भी है, तो करोड़ भी होगी तो भी बहुत कम है, क्योंकि वो देश इतना बड़ा है
आधे एशिया को और यूरोप दोनों उस पर है, वो एशिया में भी और यूरोप में भी है। तो इतने बड़े देश में इतनी कम जनता है, तो वहाँ लोगों की कमी है। अब वहाँ कुछ भी करना चाहेंगे तो वो मशीन से कर लेंगे, क्योंकि लोगों से करवाएंगे तो वो पैसे ज़्यादा मांगेंगे, क्योंकि लोगों की भैया डिमांड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि हमें ये समझना है कि जो उत्पादन करेंगे वो कैसे करेंगे। थर्ड अगर अपन बात करें बेटा, तो किसके लिए किया जाए, तो बेटा ऐसा ना हो कि हम जो उत्पादन कर रहे हैं उससे केवल अमीरों को ही फायदा और गरीब ऐसे ही रह जाए। तो ऐसा उत्पादन किया जाए जिससे किसके लिए किया जाए, तो सभी वर्गों के लिए, सभी सेक्टर के लिए किया जाए। तो ये तीन समस्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस, क्या किया जाए, कैसे, किसके लिए, क्या पॉइंट है इसका। 1.36 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र समझने के पहले 1.36 होता क्या है वो समझे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या होता है बेटा, देखो नाम में ही छुपा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, उत्पादन संभावना, ठीक है। तो अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैंने ये अरविंद से जूस मंगाया है आज, मेरा बजट 20 रुपये है। अब मेरा बजट 20 रुपये है तो मैं क्या क्या यूज़ कर सकता हूँ, या तो मैं दोनों आंवले के जूस यूज़ कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं मुझको एक वो वाला ज्वारे वाला चाहिए तो फिर एक आंवले को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो तुम्हारे पास 20 रुपये हैं तो 5 रुपये का एक समोसा मिलता है, 5 रुपये की एक कचौड़ी मिलती है, तो तुम्हारे पास बेटा उत्पादन, या मैं तुम्हें कंजम्पशन से बता रहा हूँ, जो प्रोड्यूस करता है वो उसके लिए उत्पादन की भी वही पॉसिबिलिटी होती है। तो तुम लोग या तो 4 समोसे खा सकते हो, या 2 समोसे 2 कचौड़ी खा सकते हो, या 3 समोसे 1 कचौड़ी खा सकते हो, या 3 कचौड़ी 1 समोसा खा सकते हो, या 4 कचौड़ियाँ खा सकते हो। जब बेटा हम उत्पादन करते हैं तो हमारे प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे पास बेटा कुछ पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल होती है, या 2 पॉसिबिलिटीज़ उनने दी है। देखो ए बी सी डी ई टेबल बनी हुई है। जब हम कमोडिटी ए की 10 यूनिट बनाते हैं, एक्स की 10 यूनिट बनाते हैं, तो हम वाई की 0 बना पा रहे हैं, दिख रहा है। एक्स की जब हम 10 यूनिट बना रहे हैं तो वाई तरफ कितना दिख रहा है, 0। ये अच्छा, एक्स की हम जब 0 बनाते हैं तो वाई की 10 बना पाते हैं, मैंने उल्टा बोल दिया। अब मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो x भी 1 चाहिए, तो जब मैंने x की 1 बनाई तो y की कितनी हो गई, 8 हो गई। फिर जब मैंने x की 2 बनाई तो y की कितनी हो गई, 6 हो गई। जब मैंने x की 3 बनाई तो देखो, जब एक का प्रोडक्शन बढ़ाया तो दूसरे का प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया। तो जो सामने वाला प्रोड्यूसर है उसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, वो अगर ए वाला कॉम्बिनेशन लेता है तो उसके पास एक्स 0 वाई 10, बी वाला कॉम्बिनेशन लेता है तो एक्स 1 वाई 8, सी वाला कॉम्बिनेशन लेगा तो एक्स 2 बाय 6। ऐसे मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता, पहला पॉइंट दिया हुआ है, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ झुकती हुई होती है। अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यही लिखा है, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ झुकती हुई होती है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो बेटा देखो उल्टे हाथ से सीधे हाथ तरफ, लेफ्ट से राइट तरफ ये जा रहा है और डाउनवर्ड भी है, तो ये झूठ थोड़ी बोल रहा है, सही बोल रहा है, ठीक। इसके बाद है बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नॉर्मली क्या, कॉनकेव, जनरली अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इन अ कॉनकेव फॉर ओरिजिन। कॉनकेव मतलब बेटा ये ऐसा होता है उल्टे चांद की तरह। हम हिंदी मीडियम वाले पढ़ते थे 10th में उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो ये उत्तल होता है, तो बेटा ऐसा मूल बिंदु के प्रति उत्तल होता है। इसमें लिखा है नतोदर, तो उत्तल का एक और नाम नतोदर भी होता है। ये क्या होता है, नतोदर, या उसकी जगह उत्तल भी लिख सकते हो। तो क्या होता है बेटा, कॉनकेव। तो वो ही लिखा है, अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑलवेज कॉनकेव टू ओरिजिन पॉइंट, ये होता है कॉनकेव टू ओरिजिन पॉइंट। इंग्लिश में, हिंदी में लिखा है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु, मूल बिंदु ये है बेटा, ये मूल बिंदु के प्रति नदोत्तर होता है, नदोत्तर मतलब उत्तल होता है। फिर बेटा थर्ड पॉइंट दिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी दिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, तुम्हारा नहीं दिया, मैं लिखवाऊंगा उसको। तो बेटा हमारे पास कई कॉम्बिनेशन थे, ऐसा अभी तुमने देखा कि x और y 2 थी, x 0 थी तो ये 10 थी, x ये 8 हुई, तो हमारे पास बेटा a b c d e इतने कॉम्बिनेशन है, तो हमारे पास कई कॉम्बिनेशन अवेलेबल होते हैं। तुम बेटा थर्ड पॉइंट बहुत बड़ा दिया है, तुम लिख लो वहां पे उत्पादन के कई संयोग, थर्ड पॉइंट लिख दोगे उत्पादन के कई संयोग, लिख दो हिंदी में उत्पादन लिखा है, कई संयोग मतलब बेटा हमारे पास कई पॉसिबिलिटी थी, अभी वो अपन ने टेबल में देखी, और हम कौन सा संयोग लेंगे जहां मेरे को सबसे ज्यादा फायदा होगा, तो लिखा होगा देखो
फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, चॉइस ऑफ प्रॉपर कॉम्बिनेशन, हिंदी में लिखा होगा सर्वोत्तम संयोग का चयन। ठीक है, तो हम कौन सा चूज करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट दे, तो ये इसके चार पॉइंट्स।